रामदेवरा मेले में कैसे पहुंचे, इसके बारे में आज इस वीडियो में कम्प्लीटली बताने वाला हूं, मेरा एक्सपीरियंस देने वाला हूं और मैं इस मेले में जाकर के आया हूं, इस वक्त मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले बता दूं कि मैं रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन से जयपुर से पहुंचा था, जिसका नंबर 15014। यह ट्रेन यहां जयपुर से 9 बजे गांधीनगर जयपुर जंक्शन से चलती है और आपको यह ट्रेन शाम को इवनिंग में 8:30 बजे रामदेवरा स्टेशन पर छोड़ देती है। यहाँ से आपको अन्य और भी कई गाड़ियां मिल जाती है दोस्तों। इस वक्त मेले का समय है तो यहाँ पर मेले के समय में सरकार ने ऑलरेडी 5-6 गाड़ियां लगा रखी है। मेले की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। मेरा तो रिजर्वेशन था, आप जो से 2-4 दिन पहले जाओगे तो आपका रिजर्वेशन भी आराम से हो जाएगा। जनरल डिब्बे में भी आप आराम से सफर कर सकते हो। मुझे ट्रेन ने 8:30 बजे रेलवे स्टेशन रामदेवरा पे छोड़ दिया। मैं वहां से रामदेवरा के मार्केट से होते हुए धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। एक चीज मैं वहां पे नोटिस कर रहा था कि 2018 में मैं वहां पे गया था, तब इतनी भीड़ नहीं थी। मार्केट आज के समय में देखूं तो मार्केट जो था कम्प्लीटली रेलवे स्टेशन से शुरू होकर के डायरेक्टली मंदिर तक इतना लंबा मार्केट जुड़ गया था और काफी ज्यादा हजारों की संख्या में वहां पे दुकानें लग गई थी। आपके सामने जो है ये है धूप अगरबत्ती, जो आप हवन वगैरह में, आपके पूजा सामग्री में, अपने घर के शुभ कार्यों में आप उपयोग में लेते हो, वह आपके सामने यहाँ पे धूप है। अलग अलग तरह की अलग अलग क्वांटिटी में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यह जो दुकान थी मैंने देखी कि इस दुकान में यहाँ पे आपको कहीं तरह की सुंदर सुंदर मूर्तियां, सुंदर सुंदर तस्वीरें और सुंदर सुंदर और भी कहीं आपको आभूषण यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक चीज इसमें यहाँ पे ये भी थी कि आपको इसमें अलग अलग तरह के कलर के जो भी आप लेना चाहते हो घर के हिसाब से, जो सजावटी चीजें हैं, छोटी छोटी तस्वीरें, बड़ी बड़ी तस्वीरें, बाबा रामदेव जी की तस्वीरें, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती इस दुकान पे। अब ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने, ये यहाँ पे सिल्वर की है लेकिन लगने में आपको ये चांदी के जैसे लगेगी, जो कि काफी बेहतरीन और काफी खूबसूरत ये लग रही थी। यही दोस्तों मैंने एक नहीं हजारों की संख्या में यहाँ पे दुकानें देखी जिन पे आपको कई तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वैसे तो जनरली आपके अगर अन्य दिनों में आते हो तो आपको 10 मिनट में आपके दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मेले की वजह से आपके यहाँ पे 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी मेले में यहाँ पे दर्शन के लिए लग जाते हैं। आपको कहीं लोग ये भी गुमराह करेंगे कि हम आपका जल्दी दर्शन करवा देंगे, तो उन लोगों से बचे, कुछ आपसे यहाँ पे पैसे भी मांग कर सकते हैं। अब एक चीज और बताऊं दोस्तों कि आप यहाँ पे मेले में झंडे वगैरह लेके आते हो, इनका कोई सेंस नहीं होता। बाबा कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। ये जितने भी झंडे थे इनको सबको एक जगह कलेक्ट करके, यानी आपको मंदिर में ले जाना अलावा नहीं होता, रास्ते में आपको इधर उधर फेंकवा दिया जाता है। और ये जो सभी लोग साफ करने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा कि हम पंजाब से हैं और यहाँ पे बाबा की ये वैसे नॉर्मली निःशुल्क सेवा करने के लिए आए हैं। तो मैंने बोला कि आप इनका क्या करोगे इन झंडों का। इन्होंने कहा कि हम इन झंडों से लकड़ियों को निकाल लेंगे और ये जो इन लकड़ियों को जला देंगे। अब दोस्तों आप सोचो कि आप ये चीजें लेकर के आते हो जो माँ बाप के वहां पे छड़ने के लिए ही नहीं होती। नॉर्मली आप ये झंडियां लेकर के आते हो, इनको लेकर के आओ आप, इसी आप इनको लेकर के भी चले जाओ, क्योंकि आप घर पे वहां पे लगा सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पे रखोगे कोई सेंस इनका बनता नहीं है। इसी तरह देखो कि आपको यहाँ पे खबर जबरदस्त तरीके की यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। मेरे पीछे भी हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग थे और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आगे की तरफ थे। एक चीज और थी कि यहाँ पे लोग आपको कहेंगे कि हम आपको डायरेक्टली दर्शन करवा देते हैं, लेकिन वो आपको दर्शन नहीं करवाएंगे, आपसे कुछ पैसे भी हड़प लेंगे, कुछ भी। तो ये तो कभी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करना। बाबा के स्थान पे आप आए हो तो श्रद्धा के साथ में, पूरी नियत के साथ में, थोड़ा कष्ट सही लेकिन बाबा का दिल से, और जिस तरह से और जो यात्री है उसी तरह से आप भी इन बाबा के दर्शन कीजिए। तो मैंने डायरेक्टली काफी देर तक लाइन में लगा। एक चीज यहाँ पे मैंने ये भी देखी कि यहाँ पे कुछ पुलिस वाले थे जो यात्रियों से डायरेक्टली फोन पे बात करेंगे या फिर पैसे ले रहे थे, और ये जो है यात्री, इन्होंने पैसे दिए दो यात्रियों ने, देख पैसे देने के बाद में इस पुलिस वाले ने गेट हटाया, यहाँ से लकड़ी लगा रखी थी और इसके माध्यम से देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हटा दिया गेट को, ये एंट्री हो गए और एक पुलिस वाला था जो एंट्री करवाया। ये देखो इनको बोल रहा कि जल्दी जल्दी आगे भाग जाओ, यानी जो और जनता थी वो सब इनका विरोध करती थी कि हम आप इनको ऐसे डायरेक्टली क्यों अंदर भेज रहे हो। तो ये चीज भी है। अभी आप दर्शन कर लीजिए बाबा के मुख्य दरवाजे का, बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल का। ये जो दृश्य है आप सामने, मेन गेट आप देख सकते हो कि ये जो दृश्य सबको दिखता है तो सबके दिलों में एक जोर से जयकारा लगाने की सब कोशिश करते हैं और सब जयकारा जोर जोर से लगाते हैं बाबा के। ये मुख्य दरवाजा है, इसके भीतर हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर बाबा का जो बड़ा सारा हॉल भी देखने को मिलेगा। उससे पहले आप ये भी देखो कि कितनी भीड़ यहाँ पर है, ये बाबा के सबकी श्रद्धा है। अंदर हॉल में आ गए हैं हम और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, कितने श्रद्धालु है गाइज, करीब करीब
2-3 हजार लोग तो यहाँ अंदर होंगे, ऐसे ही पूरी लाइन लगी हुई है। इस वक्त बाबा के दर्शन के हेतु सुबह 4 बजे से लेकर के दर्शन और रात को 12 बजे तक हो रहे हैं मेले के हिसाब से। और अभी ये दर्शन आपको कभी भी आ जा सकते हो, कभी भी कुछ भी यहाँ पे आपका दर्शन निःशुल्क यहाँ पे बड़े आराम से हो रहे हैं। इनके चक्करों में कभी नहीं पड़ना, कोई शॉर्टकट से अगर आपको दर्शन करवाने की कोशिश करता है तो उनसे बच करके रहे। वैसे जो ये बाबा है कलयुग के बाबा है, आपके जैसे आप जो मांग करके जाओगे आपके घर पहुंचने से पहले आपकी कहीं मनोकामनाएं पूर्ण यहाँ पे हो जाती है, वैसे लाइव आप बाबा के दर्शन यहाँ से कर ही सकते हो। बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के बाद में आप यहाँ से पीछे की तरफ तालाब है रामसागर, उसमें स्नान भी कर सकते हो, बोट वगैरह चलती है वहाँ पे, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो एंड वहाँ पे घूम सकते हो। पाल काफी बड़ी है और काफी बड़ा वहाँ पे तालाब आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों कि आप ये देख लीजिए कि जो इतने लोग हैं कहीं ना कहीं इनमें श्रद्धा मन में जो आस्था है वो जरूर पूरी होती है, तभी लोग इतने यहाँ पे पहुँचते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर और जो बाबा रामदेव जी है वो भी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। हम लोग यहाँ से रात को हमारी ट्रेन थी तो ऐसे ही हम और आगे जैसलमेर की तरफ पहुँच गए, तो जैसलमेर हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको अन्य चीज़ें वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कहीं पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पे जो रियलिटी मेरे साथ में होती है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ गलत नहीं भेजता आपको मैं। और एक चीज़ यहाँ पर जो बाबा रामदेव जी की परचा बावड़ी थी ये भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाती है। बोले बाबा रामदेव की जय हो।